में ईद आने वाली, उसके बारे में संदेश क्या देना चाहिए? देखिए, पहले तो रमज़ान माह के लिए सब लोग जो जितने भी रोज़ादार हैं पूरा ज़िले में उनकी सुविधा है, तो जितने भी सप्लाईज का जो राशन पानी और दूध और भी फल सारे राशन सामग्री वहाँ तक पहुँच जाए सब पूरा प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि अभी लॉकडाउन जो रिलैक्सेशन में तो ये है कि जो किराने की दुकान 12 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है, हॉटस्पॉट के अलावा उस पर तो काफ़ी सुविधा मिल रही है लोगों को। हॉटस्पॉट के अंदर भी पूरी तरह से इनका जो जितने भी सुविधा हो सकता है उन कराया जा रहा है। अलविदा की नमाज और ईद की नमाज जो है अपने घरों में भी ही पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से कोई भी सामाजिक गैदरिंग नहीं हो सकता, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे कोई भी स्थल हो, कोई भी आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, चाहे प्रार्थना पूजा हो, चाहे नमाज हो, तो अपने घरों में करेंगे, चौराहे पे या फिर कहीं पे भी इसका अनुमति नहीं मिल रहा है। तो इसलिए स्पष्ट है, कोई रूमर्स पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अलविदा की नमाज भी और ईद की नमाज भी घरों पे ही होगा।